लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, सब्सक्राइब बटन के बराबर में घंटी वाला बेल वाला आइकॉन दबाकर ओके दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। छत्तीसगढ़ की राजधानी से महज 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गरियाबंद जिला। जिला मुख्यालय से 3 किलोमीटर की दूरी पर बसे ग्राम मरोदा के जंगलों में प्राकृतिक शिवलिंग भूतेश्वर महादेव स्थित है। पूरे विश्व में इसकी ख्याति हर वर्ष बढ़ने वाले इसके ऊंचाई के लिए फैली हुई है। अर्धनारीश्वर इसको भरकुरा महादेव भी कहा जाता है। भूतेश्वर महादेव के स्थानीय पंडितों और मंदिर समिति के सदस्यों का कहना है कि हर महाशिवरात्रि को इसकी ऊंचाई और मोटाई मापी जाती है। सदस्यों का कहना है कि हर साल यह शिवलिंग 1 इंच से 1.25 इंच तक बढ़ जाता है। भरकुरा महादेव के संबंध में कहा जाता है कि कभी यहां हाथी पर बैठकर जमींदार अभिषेक किया करते थे। भूतेश्वर महादेव के पुजारी केशव सोम का कहना है कि हर वर्ष सावन मास में दूर दराज से कांवड़िए भूतेश्वर महादेव की पूजा अर्चना करने आते हैं। उन्होंने बताया कि हर महाशिवरात्रि पर भूतेश्वर महादेव की ऊंचाई नापी जाती है। वहीं 25 साल से भूतेश्वर महादेव संचालन समिति से जुड़े मनोहर लाल देवांगन ने बताया कि भूतेश्वर महादेव को भरकुरा महादेव भी कहते हैं। यह संभवतः विश्व का पहला ऐसा शिवलिंग है जिसकी ऊंचाई हर साल बढ़ती है। 17 गांवों की समिति मिलकर सेवा कार्यों का संचालन करती है। भूतेश्वर महादेव की ऊंचाई का विवरण 1952 में प्रकाशित कल्याण तीर्थक के पृष्ठ क्रमांक 408 पर मिलता है, जहां इसकी ऊंचाई 35 फीट और व्यास 150 फीट उल्लेखित है। 1978 में इसकी ऊंचाई 40 फीट बताई गई, 1987 में 55 फीट और 1994 में फिर से थेडोलाइट मशीन से नाप करने पर 62 फीट और इसका व्यास 290 फीट मिला। वहीं वर्तमान में इस शिवलिंग की ऊंचाई 80 फीट है। छत्तीसगढ़ इतिहास के जानकार डॉक्टर दीपक शर्मा का कहना है कि शिवलिंग पर कभी छुरा क्षेत्र के जमींदार हाथी पर चढ़कर जलाभिषेक किया करते थे। शिवलिंग पर एक हल्की सी दरार भी है, जिसे कई लोग इसे अर्धनारीश्वर का स्वरूप भी मानते हैं। मंदिर परिसर में छोटे छोटे कई मंदिर बना दिए गए हैं। फ्रेंड्स, हमारे चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कीमती सुझाव हम तक पहुंचाएं। धन्यवाद।